आज हमारे साथ अलका दीदी हैं। दीदी ने एमसीए किया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन में पीएचडी की है। दीदी ने 25 साल तक डिग्री एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जॉब किया है। अभी वे रेगुलर जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन विजिटिंग फैकल्टी एंड यूनिवर्सिटी पेपर सेटिंग का काम दीदी करते हैं। दीदी ने अपनी पहली वर्कशॉप अप्रैल 2016 में कानपुर में की थी। अभी दीदी कोई वॉलंटियरिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो करना चाहते हैं। तो दीदी, आपके पास 20 मिनट का समय है। आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग को प्रस्तुत करने के लिए। जी ओवर। दीदी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं बागड़िया जी, कुमार भैया, शर्मिला दीदी और पूरी यूएसबी टीम को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिसके कारण मेरा ध्यान अब बहुत छोटी छोटी चीजों पर जाने लगा है और यूएसबी के कारण मेरे जीने में भी बहुत परिमार्जन हुआ है। मैं अलका गंगराड़े भोपाल से हूँ। मेरे पति श्री प्रवीण कुमार गंगराड़े भी यूएसबी से जुड़े हैं और शायद उन्हीं के कारण मेरा झुकाव भी यूएसबी से हुआ। मेरी दो बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी कैडबरी में जॉब करती है, उसकी शादी को 2.5 ईयर्स हो गए हैं। छोटी बेटी ने IIM इंदौर से MBA किया है और वह मुंबई में स्टार्टअप जेप्टो में जॉब कर रही है। बेटा IIMT गाजियाबाद से MBA कर रहा है। हम हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। तीनों बच्चे भी दादा दादी के सानिध्य में ही बड़े हुए हैं और उन्हीं से बहुत ही प्यार मिला है उन्हें। और लगभग 1.5 साल पहले मेरे पापा जी, ससुर जी ने शरीर छोड़ दिया है, परंतु वह अब भी हमारे एहसास में हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अप्रैल 2016 में जीवन विद्या का पहला शिविर कानपुर में किया था। कानपुर में 6 दिन के शिविर में जो मैंने महसूस किया, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। वहां मैंने देखा कि जो ज्ञान वहां दिया जा रहा है और बहुत उनके जीने में भी झलकता है। आदरणीय अर्चना दीदी से भी बहुत आत्मीयता और अपनापन मिला। शिविर के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अंदर एक अलग प्रकार की खुशी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बताया जा रहा है हम तो वैसा ही जीते हैं, परिवार, समाज और सब जगह। हमारे परिवार में हम सब में बहुत प्यार और अपनापन है। सभी में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान का भाव है। पहला शिविर अटेंड करने के बाद जीने में बदलाव तो बहुत ज्यादा नहीं आया, क्योंकि शायद बदलाव की जरूरत ही मैंने महसूस नहीं की थी, परंतु प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस होने लगी, जिसके कारण गिफ्ट के रूप में मैंने घर में ही डेवलप प्लांट्स और बुक्स देना स्टार्ट कर दिया। शॉपिंग थोड़ी बहुत कम हुई और मुझ में समृद्धि का भाव और स्वभाव में थोड़ी शांति महसूस होने लगी। कानपुर से आने के बाद हमने हमारे फ्रेंड्स को भी जीवन विद्या के बारे में बताया, तो वे भी शिविर के लिए कानपुर चलने को तैयार हो गए। उसी साल अगस्त में हमने दूसरी बार शिविर अटेंड किया। इस शिविर के बाद अपने में कमियां नजर आई और ये समझ में आया कि मुझे तो निरंतर सुखी रहना है, एक पल के लिए भी गुस्सा या विरोध का भाव नहीं आना चाहिए। मैं और शरीर की आवश्यकताओं में अंतर स्पष्ट हुआ, स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान गया। कानपुर से आकर हमने ईशा फाउंडेशन का इनर इंजीनियरिंग का कोर्स किया। तभी से योगा, ध्यान, एक्सरसाइज सभी रेगुलर शुरू कर दिया करना। हम जिन लोगों से भी बात करते थे, सभी को ये प्रस्ताव बहुत अच्छा और जीवन के लिए उपयोगी लगा। हमारे परिवार वाले भी इसे समझने लगे। फिर अक्टूबर 2020 में मेरी दोनों नंदे नंदोई, फैमिली, फ्रेंड्स, दो मामा जी, मामी जी, मेरी भाभी और बेटे ने भी कानपुर में शिविर अटेंड किया। मेरा बेटा बहुत मुश्किल से रेडी हुआ। वो बोलता रहा कि मैं अकेला जा रहा हूँ मामा, आप बड़ों के बीच में, प्लीज पापा से बोलो ना कि मुझे ना ले चले। परंतु मैंने उससे बोला कि बेटा, वहाँ सही जीवन जीने के बारे में ही बात होना है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। ट्रेन में भी सब कहने लगे, पीहू को क्यों लेके चल रहे हो। 6 दिन के शिविर को मेरे बेटे ने बहुत ध्यान से सुना, उसकी शेयरिंग भी बहुत सुंदर रही। तब सब कहने लगे, बहुत सही एज में पीहू इन बातों से अवेयर हो गया है और सब वहीं से अपने बच्चों को फोन करके इसकी इम्पोर्टेंस बताने लगे हैं। अब मैं अभ्यास एक और अभ्यास दो के बारे में बताना चाहूंगी कि मुझ में किस तरह चेंज आया है और मैंने क्या किस तरह समझा है इसे।
अभ्यास एक, मैं से मैं को देखना। मैं से मैं को देखने से मुझे मेरी 24 घंटे चलने वाली कल्पनाशीलता को, जिसे मैं पहले नहीं देख पाती थी, परंतु अब अपनी कल्पनाशीलता को मैं अधिकतर देख पा रही हूँ। सातों स्टेप्स क्लियर तो हो गई हैं, परंतु अभी अभ्यास की बहुत जरूरत है। स्टेप 1, अपनी कल्पनाशीलता से सिर्फ देखना है, बिना किसी विरोध के, कोई विरोध का भाव प्रकट नहीं करना है। स्टेप 2, जो भी इस समय कल्पनाशीलता में चल रहा है उसका मूल्यांकन करना कि वह सहज है या असहज है, मानवीय स्वभाव के अनुकूल है या प्रतिकूल है, और क्या मैं इसे निरंतर रखना चाहती हूँ। तो ये भी समझ में आया कि यदि सहज होगी, कल्पनाशीलता में सहज चल रहा होगा, तो हम उसे निरंतर रखना चाहेंगे। स्टेप 3, अपनी स्थिति या भाव का मूल्यांकन करना कि मैं इस भाव के साथ सुखी हूँ या दुखी हूँ, ये देखना। स्टेप 4, इस भाव के प्रति जिम्मेदार कौन है, इसका मूल्यांकन करना। बाहरी परिस्थिति, कोई दूसरा व्यक्ति या मैं स्वयं, इसमें से कौन इस भाव के लिए जिम्मेदार है, ये देखना। इसे भी मैंने देखा कि जब ये इस पे भी मेरा ध्यान गया, जब मैं किसी को कोई काम बोलती हूँ और यदि वो काम जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसा नहीं करता है, तो मेरा भाव बिगड़ जाता था। लेकिन ये समझ में आया कि मेरे जिम्मेदारी तो मेरी ही है, या तो मैंने उसे गलत समझा जाया होगा, उसे पूरा समझ में नहीं आया होगा, या हो सकता है मुझे ये भी समझ आए कि उसे योग्यता में कमी हो, तो मुझे उसकी योग्यता बढ़ाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो इस तरह जिम्मेदारी तो मेरी ही है, चाहे जो भी भाव है मुझमें। स्टेप 5, ये देखना किसके निर्णय का आधार क्या है, सही समझ है या सही समझ के अभाव में कोई मान्यता। ये स्टेप मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि इससे मेरी मान्यताओं पर मेरा तुरंत ध्यान गया। कुछ मान्यता तो एक बार ध्यान जाने पर ही टूट गई, इसके कारण स्वभाव में बहुत चेंज आया और समझ भी विकसित हुई। जैसे मैं भी एक दो एग्जाम्पल देना चाहूँ कि मुझमें बहुत मान्यता थी जीतने की, कि जीतना अच्छी बात है, ये मान्यता थी मेरी। तो हमारे यहाँ जनरली हम लोग, पापा जी, मम्मी, बच्चे सब गर्मी की छुट्टी में या जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग कार्ड्स का गेम खेलते हैं। तो कार्ड्स के गेम में जब तक मैं जीतती रहती हूँ, मैं बहुत सही खेलती रहती हूँ, भाव सही रहता है। लेकिन जैसे ही मैं हारती हूँ कि मेरा, मैं इरिटेट होने लगती थी और चिड़चिड़ करना कि अरे आज तो किस्मत ही खराब है, हार ही लिखी है। लेकिन जब ये जीवन विद्या से जुड़ी तो मान्यता पे ध्यान गया कि ये तो मेरी मान्यता है कि मैंने हार को गलत मान रखा है। और जिस दिन मेरा इस मान्यता पे ध्यान गया, उसी दिन से मेरी ये मान्यता टूट, मतलब ये मेरा इरिटेट होना खत्म हो गया। तो मैंने इस एक चीज पर तो विजय पाई है। ऐसी एक और थी मेरी मान्यता कि हर काम समय पर करना, इसको भी मैंने अपनी तारीफ सोच के रखा था, ये तो मेरा गुण है, क्वालिटी है। तो जब इस पे ये भी मेरी मान्यता पे जब ध्यान गया, तो लगा कि काम समय पे मैं कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी करे। यदि कोई 10 मिनट भी लेट हो रहा है तो मैं इरिटेट हो जाती थी, लेकिन अब मैं इरिटेट नहीं होती हूँ। अब मैं कूलली सभा में रह के उसका इंतजार करती हूँ। तो ये मान्यता भी मेरी बहुत रिजिड थी, जबकि मैं इसके प्रति, ये भी मेरी खत्म हो गई। और एक और मेरी मान्यता थी किसी चीज को ना ढूंढ सकने की मान्यता। मैं किसी चीज को ढूंढ ही नहीं पा, ढूंढने में मुझे बहुत इरिटेशन होता था। एक्चुअली ये था कि मैं अपनी चीजें बहुत जगह पर रखती थी, और मैं अपने बारे में कहती भी थी कि मैं अपनी रखी चीज को अंधेरे में भी ढूंढ सकती हूँ, तो इसलिए चीज ढूंढने में बहुत चढ़ती थी। लेकिन अब इस मान्यता पे भी मेरा ध्यान गया है, तो अब मैं बहुत पेशेंसली कोई भी चीज को ढूंढती हूँ और जनरली वो मुझे अब मिल भी जाती है। इस तरह से और भी बहुत छोटी छोटी मान्यता रही हैं जिस पर मैंने काम किया है। स्टेप 6, स्वयं में समझ विकसित करने की आवश्यकता है मुझे, जिससे संबंध व्यवस्था सहअस्तित्व का भाव बन जाए और मेरा जीना सहज हो सके। स्टेप 7, जो भाव हमें सहज स्वीकार है उसे अपने में हर क्षण बनाए रखने का प्रयास करना, इससे हमारी कल्पनाशीलता संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के रूप में चलने लगेगी और मैं में सहज भाव स्थापित हो जाए। अब अभ्यास 2, मैं से शरीर को देखना। स्टेप 1, मेरा होना और शरीर का होना हमको दिख जाए, ये दोनों अलग अलग तरह की वास्तविकताएं हैं। मैं और शरीर दोनों की आवश्यकताएं है भी अलग हैं। मैं की आवश्यकताएं निरंतर हैं और शरीर की सामयिक हैं, तो इस पे भी ध्यान गया है। स्टेप 2, मैं और बॉडी के बीच ट्रांजेक्शन को देखना।
मैं हमेशा बॉडी को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देता है और शरीर उसी के अनुसार काम करता है। मैं शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ता है, जिसे जरूरी समझता है उसे पढ़ता है, क्योंकि शरीर में तो अनगिनत संवेदनाएं होती रहती हैं। Step 3, Step 2 में जो ट्रांजेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है उसका निर्णय कौन लेता है? ये प्रश्न मुझे स्वयं से पूछना है कि मैं यह निर्णय ले रही हूँ, या शरीर यह निर्णय ले रहा है, या कोई दूसरा। इसे भी मैंने अपने एक एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे हमारा जिस दिन उपवास होता है हमें उस दिन भूख नहीं लगती, उस दिन हमारे कंट्रोल रहता है हमारे खाने पे, जबकि हम दिन में दिन भर खाते रहते हैं निरंतर। तो ये भी समझ में आया कि ये निर्णय भी मैं ही लेता है कि आज उपवास है तो आज हमें टाइम से खाना है, दिन भर नहीं खाना है, या ये खाना है ये नहीं खाना है, इस तरह से। Step 4, ये देखना कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, या क्या मैं संवेदना से दूर रहकर संवेदना को देख रहा हूँ। इससे भी मैंने कई एग्जाम्पल से अपने आप में महसूस किया है कि जैसे हमें कोई छोटी सी चोट मुझे लगती है, किसी को लगती है, तो परेशान हो जाते हैं, उसी को लेके बैठे रहते हैं। लेकिन यदि हमें उससे कोई बड़ी चोट लग जाए तो हम उसे भूल जाते हैं, या कोई गुड न्यूज आ जाए तो भी हम उसे भूल जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि मैं और शरीर के बीच दूरी है, तो और मैं संवेदना दूर रहकर देख रहा है। Step 5, इसका आधार क्या है ये देखना, संवेदना के पीछे सही समझ है या सही समझ के अभाव में कोई मान्यता। Step 6, यदि संवेदना मान्यता आधारित होती है तो हम प्रतिक्रिया करते हैं और कभी दुखी और कभी सुखी होते रहते हैं, परंतु यदि समझ आधारित होती है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं और सुखी रहते हैं। Step 7, व्यापक को देखना। अभी ये स्टेप इतनी क्लियर नहीं हुई है, फिर भी ये देखना कि मैं और शरीर व्यापक में सहअस्तित्व के रूप में है। अस्तित्व में सभी इकाइयां एक दूसरे की पूरक हैं, प्रत्येक इकाई शून्य में क्रियाशील और नियंत्रित है, और प्रत्येक इकाई स्वयं व्यवस्था में है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। Step 2 के करने से शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजगता आई है। मैं शरीर में होने वाली जिस संवेदना को जरूरी समझता है उसे पढ़ता है, अदरवाइज तो शरीर में अनगिनत संवेदनाएं होती रहती हैं। शरीर के प्रति एक भाव बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ है कि शरीर की थकान अधिकतर मैं की थकान अर्थात मैं में विरोध के भाव के कारण होती है। शरीर तो एक लेवल पर जाकर ही थकता है। इसे मैंने अपने साथ हुए दो कार्यों से बहुत अच्छी तरह समझा है। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मैंने देखा कि करीब 10 दिन तक मेहमान रहे और शादी के बाद भी मुझे थकान नहीं लगी। अदरवाइज तो किसी भी शादी में से आते हैं 2 दिन की तो ऐसा लगता है अब आराम करना है। तो ये क्लियर हो कि यदि कोई काम हम मन से कर रहे हैं उसमें मैं खुश है तो हमें थकान नहीं लगती। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, गोवर्धन परिक्रमा। मैं इसी साल मथुरा गई थी गोवर्धन परिक्रमा के लिए। एक दिन में करीब 25 किलोमीटर पैदल चले हैं उसमें, लेकिन मुझे थकान नहीं लगी। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत श्रद्धा भाव था, लेकिन मैं मन से गई थी। जब मैंने मन से वो काम किया तो मुझे एक पल के लिए भी थकान महसूस नहीं हुई परिक्रमा के बाद भी। ऐसी मुझे याद है अपराजिता दीदी की जुलाई की शेयरिंग में उन्होंने 20 किलोमीटर के मंदिर की पैदल यात्रा का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वे वीक में 3 दिन पैदल कॉलेज जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है दीदी, हम सबके लिए प्रेरणाप्रद। अब नेक्स्ट स्टेप सुख स्वभाव है या प्रभाव, इसे भी मैंने समझा है। जीवन में हमारे साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे किसी ने हमारे काम की तारीफ कर दी, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया, नई गाड़ी या मकान खरीद लिया आदि। परंतु जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं या विरोध के भाव में आ जाते हैं। जैसे किसी ने हमारी बुराई कर दी हो, गाड़ी पर डेंट आ जाए, कोई हमारा कहना ना सुने आदि। तो इस तरह के जीने से हम प्रभाव में जीते हैं, और जब तक हम प्रभाव में जीते हैं ये समझ में आया है कि हमारा सुख क्षणिक होता है। परंतु यदि सुख हमारे स्वभाव में आ जाए तो हम निरंतर सुखी रहेंगे, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों या प्रतिकूल। मैं टीवी पर अहिल्या सीरियल देखती थी, उसमें मुझे अहिल्या का एक डायलॉग हमेशा बहुत मोटिवेटिंग लगता है। हर स्थिति को हमें सुख की परिभाषा देकर ग्रहण करना चाहिए, तो ये हमें आना चाहिए इस तरह से। अब मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जीने में कुछ एक
ये मॉर्निंग सेशन के बाद कहाँ कहाँ चेंज हुआ। सबसे मेन तो मुझमें काम करने की हड़बड़ाहट बहुत कम हो गई, बहुत हद तक कम हो गई है। ये चेंज मेरी छोटी बेटी ने भी मुझमें महसूस किया। वह बोली, मम्मा आजकल बहुत कूल हो गए आप। और अब मैं बच्चों से भी प्रस्ताव के रूप में बात करती हूँ। शॉपिंग करना बहुत कम हो गया है। कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी आवश्यकता पर ध्यान जाने लगा है। बहुत सी चीजों के प्रति विरोध का भाव कम हो गया, विरोध कम हो गया है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकारना, और ये भी समझ में आ गया है कि जो भी करना है मुझे स्वयं पर ही काम करना है। पिछली शेयरिंग में निधि दीदी ने घर के आसपास मच्छर बढ़ जाने पर विरोध के भाव के संबंध में कहा था कि मच्छरों का बढ़ना हमारे आसपास की गंदगी फैलने का संकेत है। सॉरी, अतः विरोध का भाव न रखकर हमें गंदगी खत्म करने पर काम करना चाहिए। इसलिए अब जब भी मुझमें किसी बात को लेकर विरोध आता है तो मैं उस विरोध के पीछे का कारण जानने में लग जाती हूँ। जब हम वो कारण जान लेते हैं तो हमारा उस चीज के प्रति विरोध का भाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है और हमें समाधान मिल जाता है। अभी लेटेस्ट में ही एक और एग्जाम्पल है जिसमें मैंने अपने आप में चेंज देखा कि हम वो मूवी देखने गए और मूवी के टिकट का ऑनलाइन पेमेंट कर रही थी मैं। एक बार पेमेंट किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ। शायद मैंने उसी सोचा, पुरानी अलका होती तो शायद इरिटेट हो जाती, लेकिन मैंने शांति से स्वभाव में भाव में रह के स्वभाव में रह के सोचा और देखा कि मेरा नेट ही बनता मोबाइल पे, और जैसे ही मैंने नेट ऑन किया मेरा पेमेंट हो गया। तो ये चेंज भी मैंने अपने महसूस किया। प्रकृति के प्रति लगाव बहुत बढ़ गया है, और ये समझ में आया है कि प्रकृति तो अपनी व्यवस्था में है, हमें सिर्फ प्रकृति को सहेज कर रखना है। एक बहुत ही यूनिक रेयर प्लांट है एलिफेंट टीयर, जो मेरे नंदोई ने मुझे गिफ्ट में किया दिया था, और मैंने उसी प्लांट से लगभग 150 से ज्यादा प्लांट्स डेवलप कर लिए हैं अभी तक 4-5 साल में। और वही प्लांट्स हम सबको गिफ्ट में देते हैं, एनिवर्सरी गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट या रिटर्न गिफ्ट में। और मेरे यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं मैं सबसे कहती हूँ, यदि आपको ये प्लांट्स इनमें से कोई भी चाहिए तो आप मुझसे बताइए, मैं आपको दूंगी, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आज लास्ट में मैं अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताना चाहूंगी। अभी तक मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी, परंतु मॉर्निंग सेशन सुनने से मेरी दुविधा खत्म हो गई है। अब मैं भी जो भी मेरी लाइफ भागीदारी हो मैं करना चाहूंगी। अगस्त में बागड़िया जी भी भोपाल आए थे, मैंने उनसे भी इस बारे में कहा था। मैंने चतुर्वेदी भाई साहब से भी भागीदारी के बारे में बोला है, तो उन्होंने मुझसे कहा भी था, मैंने उनसे कहा था कि भोपाल में जो भी मेरे लायक काम हो तो प्लीज बताइएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा भी है कि भोपाल के स्कूल्स में जो 9th, 10th, 11th, 12th की टीचिंग का काम चल रहा है उसमें आप कर सकती हैं। और भैया मैं प्रूफ हिंदी प्रूफ रीडिंग का काम भी कर सकती हूँ, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अंत में मैं सभी यूएचबी पूरी यूएचबी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और सबसे धीरेन्द्र चतुर्वेदी भाई साहब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण ही हमारा यूएचबी से जुड़ना हुआ है। मेरे हस्बैंड को भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि तो उन्हीं के कारण मेरे जीवन में निरंतर परिमार्जन होता जा रहा है और जीने में सहजता आ रही। धन्यवाद दीदी, इसके साथ ही मैं अपनी शेयरिंग खत्म करना चाहूंगी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर शेयरिंग के लिए। धन्यवाद दीदी। जी दीदी, भैया भी आपके ही कनेक्शन से जुड़े हैं क्या? नहीं दीदी, वो उनके मोबाइल पर हैं। मैं जी दीदी, आप कहे तो मैं इसी से करवा देती हूँ बात, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया अगर हैंड रेस कर पाए तो मैं उनका नाम देखकर उन्हें माइक जी में जी 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 चाहती मैं हूँ। बोलता हूँ। जी, तो मैं भैया का परिचय रख देती हूँ। प्रवीण कुमार भैया आज हमारे साथ शेयरिंग के लिए हैं। भैया डायरेक्टर हैं राज्य आनंद संस्थान डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस से, और भैया ने भी अप्रैल 2016 में कानपुर में पहली वर्कशॉप की थी। तो भैया आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग को रखने के लिए। जी जी दीदी नमस्ते, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आवाज़ पहुंच रही है? जी भैया, आ रही है आवाज। ठीक जी से जी आज मेरा थोड़ा गला खराब है, तो यदि बीच में कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी।
दीदी, सबसे पहले मेरा नाम जैसे प्रवीण गंगराड़े है, भोपाल में रहते हैं और राज्य आनंद संस्थान में मैं काम करता हूँ। मैंने भी ये 2016 में पहली वर्कशॉप की थी। मैं और अलका में साथ में हम लोगों ने कानपुर जाके वर्कशॉप की। उसके बाद हम लोगों को प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा, तो हम आके उनके साथ फिर दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया और 4 महीने बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग सब दोस्त परिवार सहित, तो करीब 20-25 हम सब दोस्त परिवार के साथ फिर कानपुर में गए और फिर वर्कशॉप हमने अटेंड की और इस पे लगातार हम लोग अध्ययन मनन कर ही रहे थे। तो उस फिर 2020 में मैंने परिवार के लोगों से इस पे बात करती थी कि, तो वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर हम लोगों ने 20-25 परिवार के लोगों का एक ग्रुप बना के फिर हम लोगों ने कानपुर में ये वर्कशॉप की। तो इस मायने में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे परिवार में मैंने शरीर यात्रा शुरू की, अलका जैसी पत्नी मुझे इस जीवन में मिली, सब लोगों ने मुझे बड़ा अनकंडीशनल लव किया और इतनी अनुकूलता मुझे परिवार में मुझे उपलब्ध करवाई कि मैं जैसा पढ़ना चाहता था, जो समझना या करना चाहता हूँ, उसके लिए पूरी अनुकूलता मुझे मिली। मैं अभ्यास की बात करूँ दीदी, तो अभ्यास 1 में जब मैंने ये अभ्यास शुरू किया, शुरू शुरू में, तब ये हुआ कि अपनी कल्पनाशीलता को देखना है बिना रोके, बदलने के प्रयास के, बिना प्रतिक्रिया के। तो उस समय बहुत ध्यान नहीं जाता था, कोशिश भी की मैं कुछ अलग से समय निकाल के बैठते थे हम लोग और कोशिश करते थे कि अपनी कल्पनाशीलता को देखूं, पर हार्डली 1 मिनट भी नहीं कल्पनाशीलता को देखते थे, फिर मन भटक जाता था। तो कुछ दिन तक ये अभ्यास हम करते रहे पर कल्पनाशीलता भी नहीं ठीक से दिख रही थी, यानी भाव तो दूर की बात है कि भाव दिख जाए। फिर हमको लगा कि बहुत बेहोशी में जीने का अभ्यास है, तो ये बेहोशी कैसे टूटे, कैसे अपने पे ध्यान जाना शुरू हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टूल निकाला कि चलो एक काम करते हैं कि जो भी एक्टिविटी करते हैं दिनचर्या में, उसको पूरी अवेयरनेस के साथ करें। तो शुरुआत की कि चलो जो एक्टिविटी है, ब्रश कर रहे हैं मान लो, तो टूथब्रश करते करते पूरा, जब भी टूथब्रश जितनी देर करेंगे उसको पूरी अवेयरनेस के साथ ब्रश करेंगे कि ब्रश कर रहे हैं। फिर जब हम नहाएंगे तो शॉवर से पानी आ रहा है, शरीर पे गिर रहा है, उस पानी को फील करेंगे। फिर खाना खा रहे हैं जैसे, तो खाना खाते खाते क्या खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उसको पूरी अवेयरनेस के साथ। इवन जब वो खाने के बाद वज्रासन पे बैठ रहे हैं तो खाने को पचता हुआ देखने की कोशिश करते थे कि कैसे पच रहा है। ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी को फुल अवेयरनेस के साथ करने की कोशिश की, उससे थोड़ी बेहोशी टूटी या ऐसा ध्यान जाने लग गया। फिर एक एक्सरसाइज और डिजाइन की हम लोगों ने, चूंकि अलका और हम साथ ही ये सब यात्रा में हैं तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो याद आया कि बचपन में हम स्टॉप या फ्रीज का एक गेम खेलते थे कि जैसे ही कोई कोई बोलता था फ्रीज, तो जिस पोजीशन में उस पोजीशन में रुक जाते थे। तो इसको हमने तरीका अपनाया कि फ्रीज जैसे ही बोलेंगे तो आप अपन क्या सोच रहे हो ये बताना, तो एक दूसरे को फ्रीज बोलते थे, तो जैसे ही जिस भी स्थिति में रहे कि क्या सोच रहा था, तो उस ढंग से हम लोगों ने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। अब उससे थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ने लगी, विचारों पे ध्यान जाने लगा और फिर हम ये सोचने लगे कि अब इस पे ध्यान दिया जाए कि क्या सोच रहा हूँ मैं, ये सोचा जाए कि क्या सोच रहा हूँ। विचारों पे ध्यान जाने लगा तो फायदा होने लगा उसका कि सिलेक्टिव थिंकिंग हो गई। कि यदि पहले होता था कि यदि कोई मीटिंग है ऑफिस में 1-2 दिन बाद, तो उसके लिए एक दिन रोज पूरे समय उसके बारे में सोचते रहते थे, किसी से मिलना है 4 बजे मिलना है तो एक दिन पहले से, या संडे कोई चीज याद आ गई ऑफिस की तो उसके बारे में सोचते रहते थे। अब वो उससे ये आराम मिल गया कि सिलेक्टिव थिंकिंग हो गई कि यदि मेरे को मीटिंग 4 बजे जाना है तो मैं तय कर लेता हूँ कि इसके बारे में 3 बजे सोचूंगा, उसी समय प्रिपेयर करूंगा। किसी से मिलना है तो उसके बारे में सोचना है तो जितनी देर में सोचना है उसको कोई एक समय निश्चित कर लेते हैं कि इसी समय पे इसके बारे में सोचेंगे। कहीं बाहर जाना है कब इसके बारे में सोचना है, कब तैयारी करना है, फिक्स कर लिए कि किस बारे में कब सोचना है। तो जब बाकी चीजों से या समय मिलने लगा तो बहुत सारा ऐसा लगा कि दिन बड़े बड़े हो गए, बहुत खाली समय है, क्योंकि पहले लॉस्ट इन थॉट्स रहते थे, पता ही नहीं लगता था कब सुबह हुई कब शाम हो गई।
अब बहुत ही आराम है, बहुत शांति है ना, बहुत खाली समय मिलता है। और पहले हम हमेशा कहते थे कि यार समय नहीं है, टाइम नहीं है, पढ़ने में, अध्ययन में, मनन में, या किसी भी चीज का कोई कहता था तो लगता था कि टाइम ही नहीं है। अब ऐसा लगता है कि टाइम की कोई कमी ही नहीं है, टाइम ही टाइम है। तो ये अवेयरनेस बढ़ने से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। फिर लगा कि इन विचारों के पीछे जो हम कहते हैं कि भाव को देखना, तो फिर भाव देखना थोड़ा मुश्किल होने लगा कि भाव कैसे पकड़ा जाए। तो स्थूल भाव थे वो तो पकड़ में आते थे, पर जो सूक्ष्म भाव हैं जो निरंतर चल रहे हैं वो नहीं पकड़ में आते थे। तो अब जब भी भाव बिगड़ता था तब समझ में आता था कि भाव बिगड़ रहा है। तो हम यदि साथ में होते हैं अलका में, तो एक दूसरे को टोक देते थे, बिहेवियर या बातचीत के टोन में भी यदि परिवर्तन आ रहा है तो समझ जाते थे कि भाव बिगड़ रहा है। तो एक दूसरे को बोलते थे कि कहीं देखो, चेक करो, भाव तो नहीं बिगड़ रहा है। फिर वो अभ्यास करते करते फिर स्वयं में होने लगा कि अब जैसे ही भाव बिगड़ता है तो ध्यान चला जाता है कि भाव बिगड़ रहा है। और भाव बिगड़ने के लिए ये तो हो गया कि भाव जैसे ही बिगड़ रहा है तो थोड़ा पॉज ले लो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा स्थिर होके सोचो कि क्या भाव बिगड़ रहा है, इसके पीछे की क्या मान्यता है। इसका अभ्यास फिर शुरू किया कि यदि भाव बिगड़ रहा है तो निश्चित रूप से कोई मान्यता है जिसके कारण ये भाव बिगड़ रहा है। जब ये देखते थे कि जब अभ्यास शुरू किया तो बहुत बार भाव बिगड़ता था, दिन भर में कई बार भाव बिगड़ता था, तो लगा कि इसको पूरी एक बार अपनी लाइफ की स्कैनिंग कर लें कि क्या कारण है, क्या क्या मान्यताएं बिगड़ रखी है, क्या क्या बना रखी है मान्यताएं ऐसी जिसके कारण दिन में इतनी बार भाव बिगड़ता है। पूरी लाइफ का स्कैन किया, लाइफ का एक ऑडिट किया कि हम समझते हैं कि लाइफ में क्या क्या ऐसी प्रवृत्तियां हैं या संस्कार हैं जिससे मैं जिंदगी जी रहा हूँ। तो मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई तो करीब 12 प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियां मेरे अंदर दिखी, जो कॉमनली होता है कि गुस्सापोत था, जिद्दीपन था, भय था चीजों का, आलसीपन था, ऐसे करीब 12 चीजों की मेरे पास, मैंने ये प्रवृत्तियों की लिस्ट बनाई। फिर इसकी मैंने मैट्रिक्स बनाई, रिवर्स उसकी रिवर्स ऑडिट किया उसका कि हर भाव के पीछे या हर प्रवृत्ति के पीछे कौन सा भाव था, उसकी टाइप क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कितनी बार आता है, कब कब आता है, और जब भी कोई घटना बाहर घटती है तो यदि गुस्सा आता है या जो भी होता है ये प्रवृत्ति में, तो उसके पीछे हर इंसिडेंस के पीछे कौन सी मान्यता है, उसकी भी फिर मैंने पूरी एक मैट्रिक्स बनाई, एक टेबल बनाई कि लिस्ट बनाई। तो जैसे गुस्सा था तो ये तो गुस्सा तो लगा कि मैनिफेस्टेशन है बाहर, भाव बिगड़ने से जो यदि विरोध का भाव किसी के प्रति है तो प्रतिक्रिया स्वरूप गुस्सा आता है, और ये गुस्सा तो हमको स्वीकार नहीं होता है, किसी के भी प्रति आएगा उसको भी स्वीकार नहीं होता है। तो एक ही चेन रिएक्शन हो जाती है, वो गुस्सा कर रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या उसने नहीं भी किया तो मन में रख लिया है, तो एक खराब सा लगता था कि यार अच्छा नहीं है, ये चीज बदलना चाहिए। तो जब मैंने ये मान्यताओं पर काम करना शुरू किया तो अब ये बहुत सारी, जैसे गुस्सा पहले दिन में कई बार आता था, अब तो ये हो गया कि कई दिनों में एक बार आता है, सालों साल में एक आध बार आता है, पर वो एक बार भी आ रहा है तो निश्चित रूप से मुझे समझ में आता है कि ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये चेंजेस हैं। फिर कोई अनुकूलता मिलेगी या उसकी परिस्थितियां मिलेगी तो ये फिर रिपीट होगा, यानी कचरा पानी में नीचे बैठ गया है, जैसे ही पानी हिलेगा तो ये फिर उभरेगा। तो अब इसका क्या तरीका हो, तो बार बार जैसे कहा गया है कि केवल एक तरीका है कि अध्ययन अभ्यास करते जाइए, है ना, अच्छा शुद्ध पानी डालते जाइए गंदे पानी में, जैसे जैसे शुद्ध पानी डालते जाएंगे कचरा अपने आप बह के वो जल भी अपना शुद्ध हो जाएगा। तो ये जो भाव थे या ये थे, ये इसमें मेरा अच्छा ध्यान जाने लगा इस अभ्यास के कारण। जो दूसरा अभ्यास है जो मैं से शरीर को देखना, ये देखने से एक बहुत ही बड़ा आराम मिला हम लोगों को कि जो शरीर और मैं है दोनों की आवश्यकताएं पहचान में आई, और जब आवश्यकताएं पहचानने आने लगी तो ये समझ में आने लगा कि जितनी भी वस्तुएं हैं, सुविधा साधन है, ये केवल शरीर की आवश्यकता है, इसमें मैं का बहुत कोई आवश्यकता नहीं है, मैं का बहुत रोल नहीं होता है। पर अभी तक जो भी वस्तुएं खरीदते थे या इकट्ठी कर रखी है, ये केवल शरीर की आवश्यकता को ध्यान में रख के नहीं रखी है, बल्कि कई बार किसी से सम्मान पाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए इकट्ठी कर रखी है। तो अब जो भी हम सामान लेते हैं
उसकी आवश्यकता की सही पहचान करते हैं कि आवश्यकता हमको है या नहीं है। तो एक तो शॉपिंग कम हो गई, दूसरा ये आवश्यकताओं की सही पहचान हो जाने से और जो उपलब्ध है उसकी मैचिंग करने से ये लगा कि मुझे आवश्यकता से कहीं अधिक है मेरे पास, तो सदुपयोगिता बढ़ गई है और एक समृद्धि का भाव आ गया है। समृद्धि का भाव स्थापित हो गया, स्थापित कहना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, स्वीकृत हो गया अभी या स्ट्रांग हो गया, क्योंकि तो स्थापित हो जाना है ना तो कभी फिर उससे हम डोलते नहीं है, पर अभी भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां अभी भी हो जाती है। अब जो दोनों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, तो कई बार हम ये देखते हैं कि जो मैंने अभ्यास किया कि मैं जब देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीजों का दृश्य तो आंखों में बन रहा है, पर ये कौन तय कर रहा है कि ये कौन सा दृश्य मैं देखूं या न देखूं? या बहुत सारी आवाजें तो वातावरण में है, पर कोई एक आवाज सुन रहा हूं तो निश्चित रूप से कोई है जो ये आवाज तय कर रहा है, निर्णय ले रहा है कि क्या सुनना या देखना है। तो उससे मेरे ये बहुत प्रबल हुआ कि निश्चित रूप से मैं अलग है और शरीर अलग है और ये केवल सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, वह सूचनाएं वहां तक पहुंच रही है। पहले शरीर में बहुत कोई कोई भी डिस्कम्फर्ट हो जाता था तो तत्काल प्रतिक्रिया देता था, मतलब ये स्थिति थी कि जब मैंने गुस्से की भी लिस्ट बनाई तो ठोकर लग गई, जरा सी ठोकर लगी तो मैं इतना ज्यादा गुस्सा होता था कि मैं जिस चीज से ठोकर लगी उसको दरवाजा ठोक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या कई बार तो खाना चबाते चबाते यदि गाल चबा गए अपन, जीभ चबा गए, गाल चबा गए, तो ग्लास यदि पानी पी रहे हैं तो पानी उठा के फेंक दिया। हमारे यहाँ उस जमाने में बचपन से हमारे कई ग्लास आड़े तिरछे होते थे, इतने गुस्सा आता था मैं कि ग्लास दबा देता था। तो जब लगा कि अरे यार ये तो शरीर में डिस्कम्फर्ट हुआ है या शरीर में कुछ लगा है तो इससे मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो इसमें बहुत सारा अब आराम मिल गया मुझे। और शरीर से जो सूचना मैं तक पहुंच रही है उसको मैंने जब थोड़ा और डिटेल में देखा तो लगता है कि 10-11 प्रकार से स्टेप्स हैं जो मैं तक पहुंचता है, कि बाहर कुछ घटना घटी जैसे दर्द हुआ, कोई खुजली हुई, या बाहर कुछ मौसम बदला, ठंड गर्म हुई, वो ब्रेन तक पहुंची, ब्रेन से फिर मैंने ध्यान दिया, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये मैंने निर्णय लिया, पढ़ा तो उसका आस्वादन मैं तक पहुंचा, जो आस्वादन मैंने किया उसका कोई मैं अर्थ देता हूँ, या तो मान्यता के आधार पर देता हूँ या कोई समझदारी के आधार पर देता हूँ। इस अर्थ को जब मैं देता हूँ तो उससे कोई निष्कर्ष निकाल लेता हूँ कि मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है, और ये अनुकूल मैं मानता हूँ तो खुश होता हूँ और प्रतिकूल मानता हूँ तो दुखी होता हूँ, और इसका निर्णय जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं शरीर को डायरेक्शन देता हूँ कि यह बाहर कुछ काम करे, यदि शरीर स्वस्थ होता है, यदि वो करने में सक्षम है तो वो या तो वो रिएक्शन देता है। तो इतने सारे मोटे मोटे स्टेप्स होते हैं जिसमें ये जो चार मूलतः जहाँ निर्णय लेने की गुंजाइश होती है कि संवेदना है तो उसको निर्णय पूर्वक पढ़े, यदि निर्णय में लेता हूँ कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो एक निर्णय यहाँ होता है, दूसरा उसको कौन से संस्कार से मैंने जोड़ता है, क्या अर्थ निकाल रहा हूँ, एक निर्णय यहाँ ले सकता हूँ मैं, और उस भाव विचार से प्रभावित होना है या नहीं होना है, सुखी दुखी होना है या नहीं होना है, ये निर्णय मेरा है। फिर मैं बाहर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत करूं या न करूं, ये भी एक मेरा निर्णय है। तो ये चार जगह जब मुझे दिखी तो मैं इन चारों जगह मैं थोड़ा रुकता हूँ कि कोई भी बाहर कुछ घटना घटी तो उसको एक पॉज लिया, देखा कि क्या निर्णय मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे को सहज स्वीकार है या नहीं स्वीकार है। तो इस ढंग से बहुत छोटे छोटे अभ्यास को मैंने तोड़ के अपने ढंग से इसको किया है। भागीदारी की बात है जहाँ तक, तो हम लोग आनंद संस्थान में स्कूल एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं, यूएचवी को सिलेबस के रूप में स्कूलों में करीब 319 स्कूल हैं जो ये सीएम राइज स्कूल है यहाँ पर चल रहा है, और इस पे हम लोग लगातार और आगे बढ़ाने के लिए कैसे इसको फैलाएं इस पे बात कर रहे हैं। दूसरा यूएचबी की वर्कशॉप अब यहाँ पर नियमित रूप से मध्य प्रदेश में होने लगी है। एक तीसरा हम आनंद ग्राम के रूप में मध्य प्रदेश के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक आनंद ग्राम के रूप में चयन किया है,
उस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे ये स्वराज और एक आनंद गांव को कैसे आनंदित गांव बनाया जाए, इस पे विचार कर रहे हैं और इसको रोल आउट कर रहे हैं हम लोग। चौथा एक आगे का जो प्लानिंग है, हम लोग आंगनवाड़ी या स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, उन बच्चों में भी सही समझ और सही संस्कार कैसे पहुंचे, जो हमारे तो उसके लिए हम लोग अभी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से है, सभी को धन्यवाद, नमस्ते। पूरी यूएचवी टीम के लिए कृतज्ञ हैं। ये मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं यूएचवी से जुड़ पाया किसी तरीके से, इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। ऐसा लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी पूरी तरीके से बदल गई है, और मैं बहुत ही निरंतरता तो नहीं है खुशी की, पर वो ड्यूरेशन खुश रहने की, सुखी रहने की ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और कृतज्ञ हूँ सभी के प्रति। धन्यवाद, धन्यवाद सभी। अलका दीदी की और प्रवीण भैया की, आप लोगों से मेरा मिलना हुआ था जब धीरेन्द्र भैया की बेटी की शादी में भोपाल आना हुआ था और आपके घर पे ही रहना हुआ था, तो जी यही भैया जी, दिक्कत था हम भी याद हम करते हैं भी भैया बहुत याद करते भैया को। जी दिख रहा था कि आप दोनों लोग कैसे साथ साथ गति कर रहे हैं, और जिस तरह की आज शेयरिंग हुई है सुबह के सत्र में जुड़ते हुए, जिस तरह से बारीकी से आप लोगों ने अपने ऊपर काम शुरू किया है और जिस तरह से अपने जीने का मूल्यांकन कर रहे हैं, अपने भाव को भी सजगता को बनाए रख पा रहे हैं, ये बहुत ही उत्कृष्ट है। तो और आप लोग भागीदारी भी कर ही रहे हैं, इनफैक्ट आपने शेयर किया कि बेटे ने भी आकर वर्कशॉप किया था कानपुर में, अगर वो उपलब्ध हो तो उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। भैया। वो वहाँ गाजियाबाद में अभी IIMT में MBA कर रहा है अच्छा वो वहाँ से, तो अभी उसकी जी वहीं जी गाजियाबाद में है भैया। अच्छा ठीक है, कभी आगे सुनेंगे। जी जी भैया, हाँ तो बहुत ही बढ़िया भैया, मुझे कुछ खास नहीं कहना अपनी तरफ से। ऑलरेडी एमपी में जो स्कूल एजुकेशन का काम हो रहा है, सीएम राइज में जिस तरह से कोर्स इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें आप लोगों की एक महत्वपूर्ण भागीदारी है, और आगे भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं एमपी में काम के लिए, और समय भी काफी है आपके पास अब समाज की लगाने के लिए, और आप लगा भी रहे हैं, तो जी भैया, इतना ही कहूंगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना और बधाई। जी भैया। जी।